हेलो गाइस, कैसे आप? जैसा कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है ना एक डब को कैसे हैंड फीड कराएं, उसको कैसे दाना दे सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है ना। क्योंकि वो खुद नहीं खा पा रहा है या जो है ना कहीं से आपको जो है ना घायल मिला या फिर जो है ना वो रेस्क्यूड हो सकता है, ठीक है ना। तो जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ आज तरीका, क्योंकि जो है ना भाई पहले वाले वीडियो में इससे जो है ना एक वीडियो डाला था मैंने, तो वो भी जो है ना बढ़िया उठा था। और उसमें जो है ना मैंने बताया था कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, ठीक है। अब ये जो है ना बड़ा डब है, ठीक है ना। तो अब जो है ना बड़े डब का आपको बताने वाला हूँ कि बड़े डब को आपको क्या फीड कराना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के टाइम पे अलग सिस्टम होता है, अलग फीड देनी होती है, और बड़े के टाइम पे अलग फीड देनी होती है, ठीक है। तो ये डब जो है ना फुल एडल्ट मान के चलो, ये पर झाड़ पर है, ठीक है ना। मतलब कि अपने पर गिरा रहा है जो अंडों के साथ लेकर आता है वो वाले पर, और जो है ना अपने एडल्ट वाले पर ला रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा साइड में कर दूं भाई। हाँ, तो भाई सबसे पहले तो जो है ना आपको एक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, जो कि डिपिंग ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो है ना भाई महंगी पड़ती है, कम से कम 100 से 120 रुपए तक की। पर जो है ना नहीं, मैं आपको सस्ता मद्दा जुगाड़ जो है ना बता दूंगा, ठीक है ना। चिंता नहीं करना भाई, कोई भी तार ले लेना, तार, ठीक है। वायर, वायर तो आप जानते ही होगे भाई, उसके अंदर का जो है ना मेटल वाला जो है ना तार हटा देना, और बाहर का जो प्लास्टिक वाला कवर बचेगा वो यूज कर लेना, ठीक है। या फिर जो है ना साइकिल होती है, साइकिल, तो साइकिल के ट्यूब में जो आगे मतलब जहाँ से हवा भरते हैं तो वहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है काले रंग का, उसे जो है ना बाल कुछ कहते हैं, ठीक है ना। उसकी कीमत भी जो है ना 1 से 2 रुपए होती है, वो भी जो है ना काफ़ी अच्छी जो है ना लग जाती है। सेकेंडली आपको चाहिए एक सिरिंज, ठीक है ना, जो कि भाई 10 रुपए वाली हो जाए तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, 10 ml की, ठीक है। क्योंकि जो है ना एक ही बार में हम लोग को ना फीड करा देना होता है, ठीक है। क्योंकि एक बार में हम फीड कराएंगे तो ये जो है ना खुद भी भूखे होते हैं, तो जो है ना एक बार में जो है ना आराम से ही खाना ले लेते हैं, ठीक है। और जो ना भाई हम सेकंड बार दोबारा ट्राई करते हैं और तीसरी बार ट्राई करते हैं, तो ये एक अलग से प्रेशर लगाने लगते हैं, मतलब खाना रोकने के लिए। तो वो जो है ना मतलब उल्टी हो जाती है, इनकी वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। और जो है ना वो इनकी सांस की नली में भी फंस सकता है, ठीक है। और जो है ना ये गंदे भी हो जाते हैं, ठीक है, इनके परर गंदे हो जाते हैं, ठीक है भाई। और जो है ना काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, और नज़ला भी हो सकता है, ठीक है। नज़ला होता है भाई नथनों में पानी, और जो है ना निमोनिया टाइप की जो है ना होता है, ठीक है। तो भाई बता देता हूँ मैं आपको, इतना पता चल गया कि जो है ना आपको एक सिरिंज चाहिए, जो कि थोड़ी बड़ी ले लेना तो ज़्यादा अच्छा है, वरना छोटी से ही काम चलाना, आपको रेस्क्यू करना है, ठीक है भाई। उसको ज़िंदगी भर के लिए तो रखना नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो वैसे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, जब आपको पूरा भरोसा हो जाए कि आपका बर्ड जो है ना नेचर में रह सकता है, तभी आप उसे लीच करें, ठीक है। वरना लीच करने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो है ना डेथ हो सकती है उसकी, ठीक है। क्योंकि वो खुद खाना ढूंढना नहीं जानता, और जो है प्रेडेटर्स इतने सारे होते हैं कि आपको भी शायद अभी नहीं पता हो। बाज हो गया, देखो भाई बिल्ली हो गई, बंदर भी होते हैं, बंदर भी खाते हैं बर्ड्स को, ठीक है। और जो है ना कौवे, चील, बाज, चींटियाँ भी खा लेती हैं बर्ड्स को, ठीक है। चूहे भी खा लेते हैं बर्ड्स को, और शरू छजूंदर कहते हैं वो भी खा लेता है बर्ड्स को, नेवले भी होते हैं, बहुत सारे शिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई भाई फालतू की, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, और जो है ना आपको बता दें तरीका। तो ये सिरिंज के आगे जो है ना आपको इस प्रकार से पाइप चढ़ा लेना है, ठीक है। वो मोर्टीन का पाइप भी ले सकते हैं आप, स्प्रे का, परफ्यूम्स का, पर जो है ना आप उसे बॉयल कर लेना थोड़ी देर के लिए। और जो है ना तार वाला भी जो है ना बॉयल करना पड़ेगा आपको 2 मिनट के लिए, ठीक है, तभी जो है ना अच्छा काम हो पाएगा, ठीक है। और जो है ना अब आती है बात की, जो है ना आपको बड़े बर्ड की बात कर रहा हूँ भाई, बड़े बर्ड की, ठीक है। ये फुल एडल्ट है, तो आपको क्या करना है भाई, चने लेने हैं, चने। अब पता नहीं काले चने कहते हैं इसको, कौन से चने कहते हैं, पर जो है ना आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जो छोटे वाले चने होते हैं, बड़े वाले छोले वाले की ये बात नहीं कर रहा मैं, ये जो चने होते हैं इनमें जो है ना इसको जो है ना आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जो है ना पानी में डाल देना है, 4 से 6 या 8 घंटे के लिए। सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा भाई रात को डालो, और जो है ना सुबह निकाल लो, ठीक है। और जो है ना रात को ज़्यादा फुला लेना, शाम तक के लिए, ठीक है। तो कम से कम 10 से 15 चने इसको देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि ये चने का जो पानी बचेगा वो भी जो है ना आपको देना है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो भाई पहले चने का पानी भर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, फिर आपको सब दिखाते हैं अच्छे से कैसे क्या कराना है, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है भाई, कमेंट कर देना कोई दिक्कत आए, ठीक है, मैं जो है ना हेल्प आपकी ज़रूर करूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, परेशानी नहीं होना बिल्कुल भी। तो चलो दिखाते हैं भाई कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 4-5 चने ले लेना भाई, और जो है ना बर्ड को इस प्रकार से अच्छे से पकड़ के बैठा लेना, रुकना जरा आपको मैं सही से पकड़ लूँ इसको, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर जो है ना आपको ये अपना थंब और जो है ना ये फिंगर, इन दोनों को जो है ना इसकी चोंच के बीच में छोटे छोटे दाने चुन लेना भाई। ये जो है ना पर झड़ा रहा है, मैंने आपको बताया है ना कि सीजन चल रहा है ना पर झाड़ का, ठीक है।
तो मतलब कि गर्मियों वाले फेदर सारा या इसके सर्दियों वाले फेदर जाके या फिर जो है ना अंडे वाले फेदर गिर के, ठीक है। तो देखो भाई क्या करना है, रुक जाओ जरा पहुंच लेता हूँ, पर चिपक गए थे मेरे हाथ में। हाँ तो ये चने लेने हैं आपको। इसकी चोंच धीरे धीरे खोलना भाई, धीरे धीरे बिल्कुल। और जो है ना एक चना यूँ डाल दिया आपने, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग कितने आराम से इसने अंदर कर लिया, ठीक है भाई। हो तो फिर जो है ना धीरे धीरे देना भाई, क्योंकि जो है ना इनकी चोंच जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। कम से कम बस आपको 15-20 चने ही देने हैं, ठीक है। ये देखो भाई कितने आराम से ले लेते हैं ये चने, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप लोग को बता दिया जाए ये तरीका भी, ठीक है, क्योंकि बड़े वर्ल्ड के लिए आप ये आजमाएं, ठीक है। इससे जो है ना इनके कैल्शियम की और जो है ना विटामिन मिनरल सभी की कमी पूरी होगी, ठीक है। ये देखो भाई मुझे तो लगता है भाई से 5 से 10 चने जो है ना इसके लिए बढ़िया है। पेट इसका भी भर गया है भाई, क्योंकि ये खुद भी खाता है और जो है ना मैंने भी खिला दिया, ठीक है। फिर जो है ना आपको हल्की सी चोंच फिर से खोलनी है, ये वाला पाइप लेना है आपका सिरिंज वाला, और चने का पानी आपने भरा ही था आपके सामने, थोड़ा सा नीचे उतार के और जो है ना यूं इसको पिला देना है धीरे धीरे, ठीक है बेट भाइयों। और चेक करते जाना आप लोग इसका पेट भरा कि नहीं भरा, ठीक है भाई। तो ये जो है ना बर्ड बिल्कुल अच्छे से फीड हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो है ना ये हम लोगों ने चने वाला पानी यूज किया है देख देख कर, यहाँ ये होता है कॉम्ब, ठीक है। इसको जो है ना आपको चेक करते आना, ज़्यादा नहीं भरना चाहिए भाई, ठीक है, नहीं सांस लेने में भी दिक्कत होती है बर्ड्स को, ठीक है। और आपको कितने बार फीड कराना है, अगर बड़ा बर्ड है तो आपको जो है ना 3 बार फीड कराना है, ठीक है, दिन में। मतलब कि आप वो टाइम जो है ना अपना टाइम टेबल सोच सकते हैं, ठीक है, बस 3 टाइम आपको देना जरूरी है पर फीड है, ठीक है। तो बता देता हूँ भाई कि सुबह के टाइम पे हो गया, दोपहर शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे, सोने से पहले, ठीक है। मतलब सुबह जागो तब फीड करा दो, और जो है ना मतलब रात को सोने से पहले फीड करा दो, और शाम को एक बार और फीड करा दो, ठीक है भाई। हो तो कम से कम 3 बार आपको फीड कराना है। और रही बात ये कि जो है ना ये गीला हो गया है यहाँ वहाँ, तो जो है ना नहलाना नहीं है भाई आप लोग को, ठीक है, बिल्कुल नहीं नहलाना। ये तो बड़ा है भाई, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को नहीं नहलाया जाता कभी भी, ठीक है, बिल्कुल पाप का काम करता है, क्योंकि जो है ना बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेन रोल जो है ना प्ले करता है इनकी जो है ना लाइफ में, ठीक है, जब ये बच्चे होते हैं, ठीक है। डाइजेशन से लेकर जो है ना इनकी बॉडी ग्रोथ सब जो है ना इनके बॉडी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस भाई मैंने कहा कि आज जो है ना सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएं, ठीक है, आपको नहलाना भी नहीं है इनको, ठीक है। और जो है ना पंखे कूलर एसी फैन मतलब ऐसी जगह पर नहीं रखना जहाँ ज़्यादा ठंडक हो, ठीक है, नहीं इनका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ये तो फीमेल है, ठीक है, ये आप कैसे पहचान सकते हैं, इसका सिर देखिए बिल्कुल जो है ना पीछे से लेके आगे तक जो है ना एक ही शेप में है, ठीक है। और मेल होता है तो पीछे चौड़ा होता है आगे पतला होता है, ठीक है। मैंने अलग से वीडियो डाली है आपके जो है ना देखना भाई, बीच में चलते ही चलते जो है ना आ जाएगी वो वीडियो का, तो वो आप चेक करके देख सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, और जो है ना कोई दिक्कत आए भाई कोई भी दिक्कत, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है, कमेंट जो है ना बिल्कुल जरूर पूछते जाना, ठीक है भाई। और जो है ना बताते जाना आपका कैसा कौन सी स्पीसीज का डब है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। स्पॉटेड डब जो है ना नेपाल, और जो है ना रोज रिंग, अरे भाई ग्रीन देख रुकना भाई कौन सा था, येलो फुटेड ग्रीन डब जो है ना था भाई लखनऊ दिल्ली, ये 3-4 जगहों से आया था। और एक और डब होता है भाई कौन सा डब कहते थे यार, रोज रिंग ऐसे ही कोई नाम था उसका, वो पंजाब हरियाणा साइड से जो है ना था, ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना कमेंट करके बताते हैं ना कौन सा डब कौन सी स्पीसी का है और कौन सी लोकेशन आपकी, ठीक है भाई। और वीडियो को भाई लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना भाई जरूर। आप लोग यार बेल आइकन नहीं दबाते पता, मैं जो है ना सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई बेल आइकन दबा देना आप लोग से बस, ठीक है, और जो है ना कमेंट कर देना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेल आइकन दबा दीजिए भाई, हो इसको जो है ना मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो रुक जाना, एक फोटो ले लेता हूँ थंबनेल के लिए। हाँ चलो जाओ जाओ बेटा। ठीक है भाई उड़ गया, देखो ये पर चिपक गए थे क्योंकि ये सीजन चल रहा था इसका पर झाड़ का, ठीक है भाई। बेल आइकन दबा दो यार नीचे से, देखो जल्दी से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके ओसन कमेंट करते आना, ठीक है भाई।